सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। मन मारते मारते पता नहीं कब जिंदगी फीलिंग लेस हो गई। जिस उम्र को जी भर जीने की चाह थी उस उम्र से ही नफरत हो गई। जैसा सोचे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मेरे सारे ख्वाब ख्वाहिश और वो सपने सब कुछ अधूरे रह गए। सब्र करते करते हम खुद ही अंदर से बिखर गए। एक वक्त था मेरा भी मन बहुत चंचल हुआ करता था। सब कुछ पा लेने की हिम्मत थी और आज खामोशी से ही पूरा दिन गुजर जाता है। ऐसा लगता है हम जिंदगी को जी नहीं रहे बल्कि काट रहे हैं। आज का पंचांग 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि, शाम 5:36 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। चित्रा नामक नक्षत्र दोपहर 12:34 तक रहेगी। इसके उपरांत स्वाति नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:19 से 10:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:00 से 12:49 तक रहेगा। आज चंद्रमा तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य सिंह राशि पर रहेंगे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश जी के आप पर कृपा बनी रहे। गणेश पूजा टाइमिंग सुबह 11:10 से दोपहर 1:38 तक रहेगा। तुला राशि 7 सितंबर 2024 दिन शनिवार, पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रही हैं, वह आज होने की उम्मीद है। खासी शारीरिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बची। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। हाल ही में आप जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उनके कारण थोड़ा थका हुआ महसूस कर सकते हैं। समय अभी आपके लिए लाभदायक है। रोजाना के कार्यों से बाहर निकलकर अपने विचारों और सपनों का सामना करें। किसी भी बड़े पैमाने पर निर्णय लेने से पहले इनकी जांच कर लें। आप आज बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील रहेंगे। मनोदशा के बदलने के कारण किसी भी बात को गंभीरता से ना लें। अपने स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। संसार को आप सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ देखते हैं और सिर्फ यही वो मनोभाव है जो सच में मायने रखता है। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। घर के जरूरी सामान पर धन खर्च करके आपको आर्थिक परेशानी तो आज जरूर होगी, लेकिन इससे आप भविष्य की कई परेशानियों से बच भी जाएंगे। घर में मरम्मत या काम या सामाजिक मेल मिलाप आपको व्यस्त रखेगा। अपने प्रिय की ईमानदारी पर शक न करें। यह उन अच्छे दिनों में से एक दिन है जब कार्य क्षेत्र में आप अच्छा महसूस करेंगे। आज आपके सहकर्मी आपके काम की तारीफ करेंगे और आपका बॉस भी आपके काम से खुश होगा। कारोबारी भी आज आपको कारोबार में मुनाफा कमा सकता है। इस राशि के उम्रदराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों से खाली समय में मिलने जा सकते हैं। जीवन साथी के साथ थोड़ा हंसी मजाक थोड़ी छेड़छाड़ आपको किशोरावस्था के दिनों की याद दिला देंगे। कोई रुका हुआ काम आज पूरा हो सकता है। पूरी तरह अपना ध्यान केंद्रित करें। आपकी कार्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। संतान के करियर संबंधित किसी समस्याओं को सुलझाने में महत्वपूर्ण व्यक्ति की सहायता भी मिलेगी। अपने विचारों को समझते हुए जिम्मेदारी स्वीकार करें। हर बात में जरूरत से अधिक सोचने से आपकी निर्णय क्षमता पर असर होगा। चंचलता को दूर करना होगा। अपनी गलतियां दोहराने से बचें। व्यापार से जुड़े लोगों को अपेक्षित सफलता धीरे धीरे मिलेगी। अपनी समस्या के बारे में पार्टनर के साथ चर्चा जरूर करें। शरीर में पानी की मात्रा कम होने की भी संभावना है। सहयोग प्राप्त होगा। परिवार से सहयोग भी आपको मिल सकता है। विवादों में विजय मिलेगी। दोपहर में भाग्य अनुकूल रहेगा। सभी से सहयोग प्राप्त होगा। न्यायालय मामलों में आपको सफलता भी मिल सकती है। थोड़ा इंतजार कीजिए। सावधानियां, आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी। अपनी वस्तुओं की संभाल खुद करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरों पर निर्भर रहना उचित नहीं है। कुछ समय अपने पारिवारिक और व्यक्तिगत गतिविधियों में सामंजस्य बनाए रखने में भी जरूर लगाएं। बात करते हैं लव लाइफ की।
पारिवारिक वातावरण सुखद और मधुरता पूर्ण रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का अनुकूल समय है। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पाएंगे। आप इस मौके का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे। आज सारे राज उनके सामने खोल दें और अपनी चिंताएं भी उन्हें स्पष्ट बता दें। इससे आपके संबंध में एक नई ताजगी आ जाएगी और आप दोनों तथा एक जोड़े के रूप में भी और करीब आ पाएंगी। मेहनत से आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसान कर सकती हैं। और अब समय है प्रेम के क्षेत्र में थोड़ी मेहनत करने की। अपने साथी तक अपने विचारों को विनम्रता से बांटें और उसकी भावनाओं का ध्यान रखें। हर प्रतियोगिता और मुकदमेबाजी में आपको सफलता मिलेगी। आप बाहरी दुनिया के प्रति अति संवेदनशील हैं, इसीलिए मामलों को गंभीरता से लेने से बचें। किसी भी विषय को ऐसे ही ना छोड़ें जब तक आप पूरा संतुष्ट न हो। सही रवैया उतना महत्वपूर्ण है जितना जीवन में प्रेम, इसीलिए आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। आपको अपने रूप रंग को बदलने की जरूरत है जो प्रेम संबंधों में तड़का लगा सकता है। बात करते हैं करियर की। अपने कौशल और गुणों का प्रदर्शन करें, इससे आप पदोन्नति के साथ साथ अपनी मेहनत के फल को भी इनाम के रूप में पा सकती हैं। अपने सेवा के अधीनस्थ से मिला धोखा आपकी उदासी का कारण बनेगा। दुर्घटना से बचने के लिए आज सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। आपके मूड में बदलाव और बिगड़ता स्वास्थ्य आपको परेशान कर सकता है। कार्यस्थल में नई संभावनाएं आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज नए कार्य करने या महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें। समस्याओं को अवसरों में बदलने की कोशिश करें और अपनी प्रतिस्पर्धियों पर नजर रखें। सही दृष्टिकोण की वजह से आप सकारात्मक सोच सकती हैं और आशावादी रह सकती हैं। आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवसाय करने वाले के साथ वार्तालाप होगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दें। आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करने चाहिए क्योंकि चीजें धीरे धीरे खुलती हैं और लोगों को नई वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। सभी कार्य क्षेत्र में गतिविधियां सामान्य रहेगी। इस समय अपने कॉन्ट्रैक्ट का दायरा बढ़ाएं। कोशिश करते रहें इस समय की गई मेहनत के अच्छे नतीजे आने वाले दिनों में मिलेंगे। नौकरी में आज आसानी से लक्ष्य हासिल हो जाएगा। बात करते हैं सेहत की। आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका बनी हुई है। आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है। आपको संक्रमण भी हो सकता है, इसीलिए आज बाहर से अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज ही रखें। आपको मुहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएंगी। आज का उपाय, आज आप गायत्री मंत्र का जाप करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।